हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे एंड देन कुछ स्टॉक्स है जो शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर एक स्टॉक जिसका डेली का स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक लग रहा है वो मैं डिस्कस करूंगा फॉर पोजिशनल पर्पज़। और लास्ट में मैं आपके साथ जो टीडी के प्रेस्टीज का ट्रेड था एलयूटीओ के हिसाब से, उसमें मैंने एक गलती की थी तो वो गलती मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी में हम डिस्कस कर रहे थे कि RSI जो है वो 40 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रही है एंड ये जो लेवल था दैट वॉज वेरी क्रूशियल फॉर बुल्स एंड दे रियली मतलब चार्ज फ्रॉम हियर। और ये जो रेंज हम डिस्कस कर रहे थे 150 और 550 की रेंज में जो मार्केट फंसा था उसको ब्रीच करके एक अपसाइड मोमेंटम आया, मतलब जैसे ही वो रेंज उसने ब्रीच की तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। बट अब ये ओल्ड ड्राइंग से मैं उसको रिमूव करता हूँ। अब हम देखें तो एग्जैक्टली अब क्या था कि जो प्रीवियस स्विंग था 15,050 के आसपास वहीं से ही रिवर्सल आया है। एंड इंटरेस्टिंगली दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आप पूरा रिट्रेसमेंट लो अभी रिसेंट जो आया था बाउंस, तो दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.618 के आसपास ही है। हम देखें सो 0.618 के आसपास उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। सो ये जो लेवल है 15,050, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आते हैं तो ही क्या है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि फिर एक अपसाइड मोमेंटम वापस स्टार्ट हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब हम ये जो क्लोज है उसको देखते हैं तो दिस इज वेरी ट्रिकी क्लोज, बिकॉज 20 और 50 EMA के आसपास ही क्लोज दिया है। सो अब ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि अगर ये लोगों होल्ड किया दैट इज 660 को, अगर फ्लैट खुला और उसी के आसपास एक बेस बनाया तो फिर क्या है कि एक अपसाइड मोमेंटम इंट्राडे में बन सकता है। बट लुकिंग एट द SGX निफ्टी क्या है कि गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो गैप डाउन अगर हुआ तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो आप देखिए कि 75 मिनट में हम जाते हैं यहाँ पर। सो व्हाट आई हैव प्लान कि एक इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर है दैट इज़ अराउंड 550 के आसपास। तो अगर ये लेवल के आसपास गैप डाउन हुआ सम ये जो लास्ट क्लोज है एंड लेट अस अज्यूम के इसके बीच में अगर गैप डाउन होता है सो व्हाट आई वुड प्लान कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट लिया या तो ना भी ले एंड देन एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करे और ये सपोर्ट को ब्रीच करे। सो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लेवल है 420 के आसपास का लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग। अगर 440 या 450 के लेवल को भी होल्ड नहीं करता है टू बी वेरी प्रिसाइज, तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि ये 400 का लेवल हम देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट उसने ब्रीच किया तो वापस क्या है कि 250-280 की रेंज में हम चले जा सकते हैं। मतलब सो ब्रॉडली माई प्लानिंग इज कि गैप डाउन हुआ देन आई विल बी लुकिंग फॉर दिस सपोर्ट लेवल टू होल्ड, देन फिर एक बाउंस आता है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक बाउंस यहाँ पर आता है और हम डेली में जाए तो ये बाउंस कहाँ पर होना चाहिए 20 और 50 EMA के आसपास, एक वापस बाउंस आता है इंट्राडे में और फिर हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट को। सो दिस इज़ माय प्लानिंग एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि 400 के आसपास या 450 के आसपास एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, मे बी इंट्राडे में ना आए बट एक या दो दिन में हमें 400 या 450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और उसको भी ब्रिज किया तो जैसे मैंने बताया कि 250-280 की रेंज में हम वापस आ सकते हैं। सो दिस इज़ द प्लानिंग फॉर माय जो निफ्टी का प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो 34,250 और 440 की जो रेंज है ब्रॉडली हम कहें तो 34,200 और 500 की जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अब क्या है कि उसने भी बैंक निफ्टी का भी जो क्लोजिंग हम देखे, दिस इज़ वेरी ट्रिकी एक्चुअली, कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी 32,900 के आसपास, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, उसके नीचे जाने के बाद आप देखें कि यहाँ पर
चला गया था निफ्टी ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास और उसको ब्रीज किया, तो हमें वापस ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ तक बाउंस देखने को मिला। और अब क्लोज देखें तो ये भी काफ़ी ट्रिकी क्लोज है, क्योंकि क्लस्टर ऑफ सपोर्ट से वहीं पर क्लोज दिया है। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं, अब हम 75 मिनट में जाते हैं और ये ड्राइंग्स को मैं रिमूव करता हूँ। अगर गैप डाउन होते हैं तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है दैट इज़ अराउंड 32,600 उसके आसपास एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो सिमिलरली जैसे हमने प्लान किया था निफ्टी में उसी हिसाब का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि ये सपोर्ट लेवल को थोड़ा होल्ड करें, फिर 32,900 या तो 33,000 के आसपास एक बाउंस आता है और फिर ये सपोर्ट को ब्रीच करे, सो 32,150 ये रेंज हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर जो है। दिस इज़ द लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 32,200 के आसपास ये मूव आ सकता है, राइट। सो दिस इज़ द प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म। अगर ये सपोर्ट लेवल भी होल्ड नहीं होता है तो वापस फिर गया है कि हम ये रेंज में भी जा सकते हैं, मे बी अराउंड 31,000 के आसपास, बट अभी मैंने इतना प्लान किया है सो इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। सो अगर गैप डाउन होता है तो वेट फॉर जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है उसके आसपास सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस की तरफ बाउंस आता है और फिर जो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो था वहाँ पर उसने सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट को वापस ब्रिज करता है, देन वी कैन प्लान ए शॉर्ट ट्रेड। इस हिसाब का मेरा प्लानिंग दोनों इंडाइसिस में है। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिप्ला। अब सिप्ला में यहाँ पर देखिए कि 900 के आसपास इट इज़ टेकिंग सपोर्ट, जो 900 का लेवल है, और RSI जो है इट इज़ रेस्टिंग अबव 60 ADX इज स्लोइंग डाउन और इनसाइड बार भी बनाया है यहाँ पर। सो नाउ अब क्या है कि इट इज़ इन ए 75 मिनट स्क्वीज, ये एक स्कैन है जो मैंने बना के रखा है 75 मिनट स्क्वीज का, उसमें सिप्ला आया है। सो अब मैं इसको कैसे आप प्लान कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज 75 मिनट चार्ट ऑफ सिप्ला और आप यहाँ पर रेड डॉट्स देख रहे हो, दैट मीन दिस इज़ अ नाइस जूसी स्क्वीज। तो इसमें क्या है कि एक ट्रेंडी मूव आ सकता है। अब 75 मिनट में प्राइस क्या है कि ये जो क्लाउड है उसी के बीच में क्लोज दिया है, सो दोनों तरफ की 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। सो ये एक रेजिस्टेंस है 921 के आसपास, अगर उसके ऊपर सिप्ला ट्रेड करता है सो यू कैन गो लॉन्ग विद दिस स्टॉप लॉस अराउंड 905 एंड यू कैन एक्सपेक्ट के 940 या तो 950 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, मतलब एक या दो दिन की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इंट्राडे में भी आ जाए बिकॉज ये जो स्क्वीज है दिस इज लुकिंग वेरी जूसी एक्चुअली। तो सिप्ला को आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 900 को ब्रीच किया तो आप देखिए डेली में दिस इज द सपोर्ट लेवल, ये जो है 880 के आसपास, सो यहाँ पर आपको वापस आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट ये 20 EMA इज अराउंड 891, सो 880 के आसपास के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 900 को ब्रीच किया तो दैट वुड बी क्विक ट्रेड, बट अपसाइड ब्रेकआउट आता है दैट आई एम प्रीफरिंग, अपसाइड ब्रेकआउट आए तो उसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं दैट इज टोरेंट फार्मा। अब आप टोरेंट फार्मा का डेली स्ट्रक्चर देखो, 200 SMA के आसपास इट इज फेसिंग कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस और 20-50 EMA के और 200 जो SMA है वो दोनों के बीच में फंसा हुआ था, अब ये लेवल उसने ब्रीज किया एंड नाउ इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 20-50 EMA लाइंस, वो भी हमारी 75 मिनट की स्क्वीज में आया है यहाँ पर आप देखोगे टोरेंट फार्मा। सो अब इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं दैट विल सी। सो हम देखते हैं टोरेंट फार्मा 75 मिनट में, इसमें जूसी स्क्वीज है, प्राइस इज बिलो क्लाउड, सो 60-70% चांस ऐसे हैं कि नीचे की तरफ ये जा सकता है। तो इसके नीचे जाता है 2475 के नीचे,
सो ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 2350 या तो 2420, यहाँ तक ये वापस आ सकता है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है ये ऊपर की तरफ भी स्क्वीज एक्सपांड हो सकती है, बिकॉज फार्मा सेक्टर्स जो हैं अभी क्या है कि थोड़े स्ट्रांग है, फार्मा स्टॉक्स मतलब फार्मा सेक्टर अभी थोड़ा स्ट्रांग है, तो फार्मा के जो स्टॉक्स है वो अभी थोड़े स्ट्रांग है। तो अगर ये लेवल को ब्रीच किया, हम देखें कि 2550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, हम डेली में जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज 50 EMA के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है दैट इज़ अराउंड 2541। तो 2550 मैं कहूँगा कि अगर उसके ऊपर थोड़ा ट्रेड करता है यहाँ पर तो वापस क्या है कि 200 SMA की तरफ जा सकता है, दैट इज़ 2650 या 2640 की तरफ मूव हमें देखने को मिल सकता है उसमें। सो इस तरह से आप टोरेंट फार्मा को प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज ट्रेंट, दिस इज ऑल्सो इन 75 मिनट स्क्वीज। और आप देखिए इसमें कि 200 SMA के आसपास उसने सपोर्ट लिया है, नाउ बहुत ही टाइट रेंज में ये स्टक हो गया है, 20 और 50 EMA के लाइन पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सेशन से 1 2 3 4 5 इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग इट रेंडी मूव, ऐसा हम कह सकते हैं, और अब 75 मिनट की स्क्वीज में आया है। तब हम उसको देखते हैं यहाँ पर कि उसको कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेंड को। अब यहाँ पर क्या है कि प्राइस इज अबव क्लाउड, सो 60 या 70% चांस ऐसे है कि ये जो स्क्वीज एक्सपांड होगी वो अपसाइड ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और ये स्विंग है दैट इज़ अराउंड 795। अगर 795 को क्रॉस करता है सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ये जो लेवल है 840-850 के आसपास वहाँ तक ये जा सकता है। सो अबव 795 760 के आसपास का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, उसके थोड़ा नीचे, या तो ये जो स्विंग है दैट इज़ अराउंड 756 तो ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 755 या 760 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड 795 के ऊपर हम बाय करेंगे। और ये जो रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट इज़ अराउंड 840-850, ये लेवल्स हम देखने को, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर उसने ये लेवल ब्रीच किया दैट इज़ 755 के नीचे हम शॉर्ट प्लान करना प्रीफर करेंगे। 755 को अगर उसने ब्रीच किया तो वापस क्या है कि 700 के आसपास ये जा सकता है, बट जैसे मैंने बताया कि अपसाइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको मैं लॉन्ग साइड में प्रीफर ज़्यादा करूँगा। नाउ और एक स्टॉक है, दिस इज़ एन 75 मिनट स्क्वीज, दिस इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्राइस इज अबव क्लाउड और उसका डेली का स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पर। गोदरेज का 20 और 50 EMA के बीच में ये स्टक हो गया है, राइट, वो रेंज में वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये स्क्वीज हम देखें यहाँ पर इट इज़ अबव क्लाउड, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो अपसाइड में एक्सपांड हो सकती है, बट स्टिल वी कैन प्लान शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर। तो ये रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1397, तो हम कहेंगे 1400 को उसने क्रॉस किया तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव ये अपसाइड में दे सकता है। सो 75 मिनट की स्क्वीज है, जूसी स्क्वीज है, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर 1400 को क्रॉस किया तो 1450-1460 के तरफ ये जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी डाउन साइड हम देखें यहाँ पर 1347 का ये जो लेवल है 1347, अगर उसको ब्रीच करेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वापस ये क्या है कि यहाँ पर आ सकता है 1300 या तो 1280 के आसपास। सो ये ट्रेड आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। अब एक स्टॉक है, दिस इज लुकिंग गुड ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड दैट इज गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। दिस स्टॉक इसमें डेली में स्क्वीज है एक्चुअली, और आप देखो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है और 20 और 50 EMA के मतलब होल्ड करके ही चल रहा है, हालांकि बीच में एक दो बार उसने यहाँ पर देखे कि थोड़ा उसके नीचे क्लोज दिया था, देन यहाँ पे उसके नीचे क्लोज दिया था, बट वापस इट बाउंस बैक स्ट्रांगली। और हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, ये जो लो उसने मतलब 20 और 50 EMA को ब्रीच किया था वहाँ से, सो दिस इज़ लुकिंग गुड।
तो अब इसको कैसे प्लान कर सकते हो आप कि ग्रेजुअली आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो, ये जो लेवल है उसको ब्रीच करे तो उसके बाद में दैट इज़ 2670 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है सो आप ग्रेजुअली उसको बाय करोगे, फिर ये लेवल ब्रीच करेगा देन यू विल ऐड और योर इनिशियल स्टॉप लॉस वुड बी 50 EMA। तो 50 EMA का स्टॉप लॉस लगाओ, दिस इज 50 EMA इज़ अराउंड 2500। सो आप ग्रेजुअली बाय करोगे उसको 2500 के स्टॉप लॉस से, एंड वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अगर ब्रेकआउट आया इसमें सो 3000 या 3200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग रियली गुड फॉर ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, वो आप अपने रडार में रख सकते हो। नाउ एक TT के प्रेस्टीज का ट्रेड है, उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा कि जो मैंने गलती की थी दैट वॉज दिस वॉज एलिवेट वेव सेटअप एक्चुअली, और मैंने गलती क्या की थी उसमें कि डायनेमिक स्टॉप लॉस यूज़ किया था। आइडियली जो वेव 4 होता है उसका लो हमें, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि दिस वॉज द एलियट वेव एनालिसिस, दिस वॉज कवर्ड इन प्रीमियम एनालिसिस, और यहाँ पर जो लो है दैट वॉज अराउंड 5415, तो ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट मैंने गलती किया कि मेरी जो एनालिसिस थी उसमें मैंने बताया था कि 100 SMA का डायनेमिक स्टॉप लॉस फॉलो करो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी विल यूज़ 100 SMA एज अवर डायनेमिक स्टॉप लॉस, एंड 7500 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या हुआ कि उसने 100 SMA को ब्रीच किया, इट वॉज कवर्ड अराउंड दिस लेवल, ये जो लेवल है 6300 के आसपास, फिर क्या है कि मार्केट बैठ रहे थे बट ये थोड़ा साइडवेज हो गया था एक्चुअली और एक रेंज में स्टॉक हो गया था, और उसके बाद ये इम्पल्सिव हुआ है। सो ये जो मिस्टेक है कि डायनेमिक स्टॉप लॉस यूज़ करना वो नहीं करना चाहिए अब हमें। एक्चुअली एलिवेट वेव के हिसाब से जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो तो वेव 4 का जो लो होता है दैट शुड बी योर फाइट स्टॉप लॉस, फिर आपको क्या है कि डायनेमिक स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस वॉज द मिस्टेक दैट आई वुड लाइक टू अवॉइड इन फ्यूचर्स। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको आपके ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू।